परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1785 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2 पद 10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सहे हुए शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दुखों के बारे में हम पिछले दिनों में मनन कर रहे थे। ध्यान से मनन करने वाला कोई भी व्यक्ति यह बात अवश्य समझ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह इन दुखों का एक अंश नहीं, बल्कि उसकी परिपूर्णता में उन दुखों को सहा। प्रभु ने जो शारीरिक दुख सहा वो इतना अधिक था कि उनका आखिरी बूंद खून भी पानी के साथ बह निकला जब सैनिक ने उसके पंजर में हाला से छेद दिया था। यूहन्ना 19:34। उनके मानसिक दुख भी उसका उच्च स्थायी अवस्था में उन्होंने सहा कि प्रभु का पसीना बड़े खून के बूंदों के समान नीचे गिरने लगे। लुका अध्याय 22:44। उनके आत्मिक दुख भी इतना भयानक था कि वह ऊंची आवाज से चिल्लाकर रोने लगा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27:46। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने दुखों के तीनों चरणों को उसकी परिपूर्णता में सहकर न्याय व्यवस्था के द्वारा मनुष्य पर लाया गया दंड को परिपूर्ण रूप में सहकर मनुष्य के ऊपर से उस दंड को हटा दिया। दुखों के इन तीनों चरणों को उसकी परिपूर्णता में सहकर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दुखों में सिद्ध साबित किया। यीशु मसीह के दुखों का एक तुलनात्मक अध्ययन नरक के दुखों के साथ यदि हम करेंगे तो हम यह बात जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि नरक के सभी दुखों को प्रभु एक एक करके क्रूस पर अनुभव किया। उनमें से एक एक दुखों को परिभाषित करने के लिए कई घंटे लेने के कारण इस सीमित समय के मनन के दरमियान उन बातें कहने का साहस नहीं कर रहा हूं। हम इस बात को नहीं भूले कि नरक में भी शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक दुख अवश्य है। जैसे स्वर्ग आनंद की परिपूर्णता का जगह होंगे क्योंकि परमेश्वर वहां है, प्रकाशित वाक्य 21:4-5 पढ़िएगा, वैसे ही नरक दुखों की परिपूर्णता का जगह होगा क्योंकि वहां परमेश्वर नहीं है। मत्ती अध्याय 25:30-41। तो यहाँ धन्यवाद भरे हृदय से हमें यह अवश्य याद रखनी है कि हमें दुखों की परिपूर्णता से आनंद की परिपूर्णता में लाने के लिए, नरक की भयानकता से स्वर्ग की महिमा में प्रवेश कराने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह दुखों से अपने आप को सिद्ध होने दिया ताकि हमारे ऊपर फिर कोई दुख ना हो। हम सदा सर्वदा प्रभु की उपस्थिति का आनंद अनुभव करते हुए जीवन बिता सके। आइए जो सुबह हम यीशु मसीह के पद कमलों पर गिर कर उनकी आराधना करेंगे। उनके धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।